हेलो नमस्ते, हाउ आर यू आर टुडे। वेलकम एवरीवन, सबका स्वागत है हमारी प्रैक्टिस नंबर 7 में। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं हमारी प्रैक्टिस क्या है। बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है आज की हमारी। हम एक ट्रायंगल से शुरू कर रहे हैं और ये जो पाम आप देख रहे हैं, मैंने आगे भी बताया, अगर आपको चाहिए ये पाम शेप तो आप मेरी वेबसाइट से वो डाउनलोड कर सकते हैं। और आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्लीज़ अपना फ़ोन और पेपर लेकर बैठ जाइए। हम बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस आज करेंगे। हमने रिस्ट के पास एक एंगुलर शेप बनाया है और उसको हमने हमारी फ्रिल से डेकोरेट किया है। मैं फ्रिल के ऊपर और एक लेयर करूँगी, वो हमारा ये एम वाला। तो हमने वो एम वाला लेयर बना के उसको मोटी लाइन से कवर किया है। अब इसके अंदर आप चाहो तो अपनी पसंद का कुछ भी आप एलिमेंट ले सकते हो, जैसे चेक्स है या तो कोई भी छोटा वाला फिलर एलिमेंट जैसे फ्रिल फ्लावर है वो आप ले सकते हो। एक्चुअली आज मैं थोड़ा डीमोटिवेशनल फील कर रही थी, थकान की वजह से या तो कुछ भी वजह से, और इसीलिए मैं रैंडमली इंस्टाग्राम पे सारे पोस्ट फ्लिप कर रही, तब मेरी नज़र दो पोस्ट पे पड़ी जिससे मैं बहुत ही मोटिवेट हुई हूँ। बहुत ही सीजन आर्टिस्ट की मैंने डिज़ाइन देखी। एक तो हमारा जो मैंने पिकॉक में फिलर एलिमेंट एक इस्तेमाल किया था जो मैं आज आपको यहाँ पे प्रैक्टिस में मैं ले रही हूँ, तो वो एलिमेंट उन्होंने लिया था अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। और दूसरे बहुत ही एक सीजन आर्टिस्ट है जिन्होंने हमारी प्रैक्टिस 6 की जो मोटिफ हमने बनाई थी वो ही एक डेमो वीडियो में वो बनाया है। तो अभी उनका ऐसा कोई दावा नहीं है कि उनकी डिज़ाइन हमसे इंस्पायर्ड है, लेकिन मुझे इनसे बहुत इंस्पिरेशन मिली ये सोच के कि ये डिज़ाइन उनकी मेरी वीडियो हमारी डिज़ाइन से इंस्पायर्ड है। और इसी इंस्पायर्ड के चलते मैं ये प्रैक्टिस बनाने के लिए बैठ गई, ये सोच कर कि मेरे जो डिज़ाइन है, मेरे जो वीडियोज़ है वो सिर्फ बिगिनर्स को ही हेल्पफुल नहीं है लेकिन सीजन आर्टिस्ट को भी इंस्पायर्ड करते हैं। हालांकि बिगिनर्स है वो एक्नॉलेज करते हैं कि आपकी वीडियो में इंस्पायर करते हैं, सीजन आर्टिस्ट एक्नॉलेज करने से या तो कतराते हैं या तो चलो बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि उनका खुद का ही डिज़ाइन होगा और हमें इससे खुशी मिल रही है कि नहीं नहीं वो हमारे डिज़ाइन से इंस्पायर्ड है। तो खुशी चाहे कुछ भी हो, बेनिफिट हमारे लिए ही है। तो चलो हम अपनी आज की प्रैक्टिस पे भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो हमने ये थोड़ा रिवर्स मेहंदी किया है, नेगेटिव स्पेसिंग वाला। फिर हम इस कॉर्नर को इस तरह से डेकोरेट करते हैं डॉट वाले से। ओके, तो आज हमने प्रैक्टिस में ये रिवर्स एलिमेंट नया लिया हुआ है। आप चाहो तो उसकी प्रैक्टिस हमारे साथ कर सकते हो। अगर आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो आप इस एरिया में कुछ भी अपनी पसंद का डिज़ाइन फिल कर सकते हो। अब ये जो एरिया है आप उसमें टीयर ड्रॉप्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं मुझे पता है बहुत सारे लोगों को टीयर ड्रॉप्स में अभी भी प्रॉब्लम हो रही है। टीयर ड्रॉप्स को जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे आप उसमें माहिर नहीं हो पाओगे, तो उसकी प्रैक्टिस आप इस डिज़ाइन में यहाँ पे कर सकते हो। अब हम इस डिज़ाइन में यहाँ पे एक इस तरह का शेप बनाएंगे। ये जो हमने लीफ का शेप किया था ऐसे, तो उसी का एक ऐसा ये कर्व है। अब इस एरिया को अगर आप चाहो तो ऐसे ही छोड़ सकते हो।
या तो अगर आपको इसको फील करना हो तो मैं एक बड़ा सिंपल सा एलिमेंट आपको दिखा देती हूँ। ये जो डॉट वाले फ्लावर्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं अगर आप उनको ऐसे क्लस्टर में इस्तेमाल करें। ये भी एक फिलर एलिमेंट के तौर पे आप किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। और प्रिसीजन लाने के लिए आप पहले एक सर्कल बना दीजिए इस तरह से, फिर आप फ्लावर बनाइए। जितना बड़ा आपका सर्कल होगा उतना बड़ा आपका फ्लावर होगा। तो बस ऐसे रैंडम ही आप ऐसे फ्लावर बनाइए छोटे छोटे। अब बाकी की जो जगह है आप उसको स्टिपलिंग से, स्टिपलिंग माने ऐसे डॉट से भर सकते हो। बहुत ही आसान है स्टिपलिंग करना, माने सिर्फ ऐसे कोन को टच करना, दूसरा कुछ भी नहीं करना है। लग रहा है ना खूबसूरत? बहुत ही सिंपल है लेकिन कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अब हम अपनी डिजाइन को थोड़ा सा यहाँ से एक शेप देंगे जो हमने लास्ट प्रैक्टिस में सीखा था, पेसली वाला। अब हम पहले, एक्चुअली मैं ऐसा ज़्यादातर करती नहीं लेकिन आप लोगों को मैं बता सकूं कि किस तरह से डिज़ाइन प्रोग्रेस करते हैं, इसलिए मैं ड्रॉ कर देती हूँ कि आप किस तरह से इस डिज़ाइन को आगे ले जा सकते हो। क्योंकि ज़्यादातर ऐसे पॉइंट पे आके सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह से डिज़ाइन को आगे ले जाना चाहते जाना चाहिए। तो मैं दो तीन एक वेरिएशन है वो आपके साथ डिस्कस करते कर देती हूँ इस पॉइंट पे, कि अगर आप चाहो तो इस तरह से यहाँ से बॉर्डर बना सकते हो, अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे राउंड बना सकते हो और उसके ऊपर फिर पेटल दे सकते हो। मैं एक्चुअली क्या करूँगी, मैं यहाँ से एक लाइन खींच के उसे यहाँ इस तरह ले जाऊंगी। मैं थोड़ा उसे ट्विस्ट दे रही हूँ। वो सब जो मैंने पहला एक्सप्लेन किया वो थोड़े कॉमन लेआउट है, तो हम इस तरह से उसको थोड़ा ट्विस्ट दे रहे हैं। फिर आप क्या कर सकते हो, आप इसी लाइन को एक बॉर्डर की तरह डेकोरेट कर सकते हो, जैसे फ्रील, फिर राउंड पेटल छोटी छोटी वाली और ऐसे डॉट वाले लीव से। तो मैं उसी तरह से इसे डेकोरेट करूँगी। तो हमने इस तरह से उसे एक बॉर्डर लुक लिया है, लेकिन मैं अभी थोड़ा उसको एक्सटेंड भी करूँगी। मेरे एक पुराने एम्बेलिशमेंट वाले जो एक वीडियो है ना, उसमें मैंने ये डॉट वाला एक एम्बेलिशमेंट दिखाया था, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, या तो फिर अपनी पसंद का कुछ भी एम्बेलिशमेंट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, फिलर एलिमेंट यूज़ कर सकते हो। अब आपको लगता होगा कि मैंने इसमें डिज़ाइन अभी फिल नहीं की है, मैं वो आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ कि आप अपनी कोई भी पसंद का फिलर एलिमेंट्स इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको आज लेआउट भी दिखा रही हूँ, तो मैं डिज़ाइन जितनी प्रोग्रेस करनी मुझे होगी उतनी डिज़ाइन में ड्रॉ करूँगी।
मैं इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रही हूँ ये डिज़ाइन को, इसीलिए अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक फ्लावर बना सकते हो। आप इसी तरह का एक एंगल भी यहाँ पे ऐसे दे सकते हो, या तो आप फिर ये पेस्टली को कॉपी कर सकते हो। जैसे इस जगह पे अगर आपको लगे कि पोर्शन बहुत प्लेन है, खाली है, उसे कुछ डेकोरेट करना है, तो हम स्वर्ल बना के फिर यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे टीयर ड्रॉप्स दे सकते हैं। ऐसे डॉट इस तरह से एक पत्ती फ्लावर की, वापस इतने छोटे छोटे टीयर ड्रॉप्स। कुछ भी ऐसा इस्तेमाल करके आप ऐसे एक बेल बना सकते हो। आपने मुझे इस तरह से ये डिज़ाइन बनाते हुए बहुत बार देखा होगा। इस तरह से आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो। हम इस उंगली में यहाँ पे सिर्फ चेक्स लेंगे, सिंपल वाले। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल लेआउट के साथ आप एक पूरा डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि आज की हमारी प्रैक्टिस एक्चुअली एक लेआउट को लेकर भी थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपनी डिज़ाइन क्रिएट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी और वो लगातार मुझे बताते हैं कि डिज़ाइन किस तरह से हम बनाए, किस तरह से हम आगे बढ़े डिज़ाइन में। तो मैं इस तरह के लेआउट के आइडियाज़ भी अपने प्रैक्टिस वीडियो में शामिल करने की कोशिश करूँगी। तो इसीलिए मैंने ये सब फिलर एलिमेंट वाले पोर्शन है वो छोड़ दिए हैं, क्योंकि मैंने फिलर एलिमेंट्स वाले लाइक आइडियाज़ बहुत आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और तकरीबन ऐसा होता है कि हर एक आर्टिस्ट का अपना फिलर एलिमेंट होता है, फेवरेट एलिमेंट्स होते हैं, तो वो भी आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक बहुत ही सिंपल लेआउट मैंने आप लोगों को दिखाया है कि कॉर्नर में एक कोई डिज़ाइन बनाओ, फिर एक बॉर्डर करके आप उस डिज़ाइन को आगे बढ़ाओ, फिर आप चाहो तो कोई भी एक एलिमेंट ड्रॉ करके वापस उसके ऊपर बॉर्डर करके आप एलिमेंट को आगे बढ़ाओ। तो आई होप आज की ये प्रैक्टिस आपको लेआउट को समझने में बहुत ही मदद रूप होगी। तो हम जल्द वापस मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए और ये जो सारे मैंने एलिमेंट्स इस्तेमाल किए हैं उसको चेंज करके अपने पसंद के नए एलिमेंट आप यूज़ करके आप अपना वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, सी यू, बाय, टेक केयर, बाय बाय।